मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज 20वें दिन भी कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहा। हड़ताल कर्मचारियों के समर्थन में उतरे जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कर्मचारियों से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। कहा, सरकार का अलग अलग आदेश बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का शरण लेंगे कर्मचारी और आर पार की होगी अब लड़ाई। एक ब्राह्मण का एक आदेश 4 तारीख को गलत तरीके से, जो गवर्नमेंट मानदेय का आदेश देता है कि इनकी नियुक्ति की जाए, फिर गवर्नमेंट के आदेश पर इन लोगों को भुगतान किया जाता है, फिर गवर्नमेंट एक गलत पॉलिसी के तहत बार बार हमेशा देखा गया है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई न्यू पॉलिसी, जब आप इतने दिनों तक कर्मचारियों के जीवन के साथ आप उससे काम लेते हैं, उसकी पूरी लाइफ को आप हाजरत करके और उसके बाद उसके लाइफ को आप ख़त्म करिए, फिर एक ऑर्डर दे दिया जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुनः एक पहले गवर्नमेंट का आदेश, फिर गवर्नमेंट उस चीज़ को छोड़ नहीं कर पाती है, जब यूनिवर्सिटी उसको नहीं कर पाई तो फिर ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन लोगों का भुगतान भी हुआ और उसके बाद फिर ये 3 अलग अलग प्रोफेसर क्या ना जी ने कलर थे हम लोग नहीं आज हाँ 3 ग्रुप में बैठे थे, एक शिक्षक, दूसरे एक कॉलेज कर्मी और तीसरा हम लोग विश्वविद्यालय कर्मी। 2 कर्मियों से VC साहब और इनकी बातचीत थी कि और सामंजस्य करने की बातचीत थी कि खूब कहीं एक पॉलिसी लाया गया, फिर एक कम जो यहाँ पर जो कर्मचारी यूनिवर्सिटी कर्मचारी इन लोगों को बिल्कुल अलग रख दिया गया, लगातार ये बैठे रहे, फिर गवर्नमेंट का एक नया आदेश आ गया। तो आग्रह यही है VC साहब से और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार साहब की है कि जब तक तीनों का सामंजस्य और एक रूप पॉलिसी नहीं बनती है तब तक आप कोई नया कदम नहीं उठाए, इन लोगों को साथ लेकर के चले। उनका कहना है कि नहीं, गवर्नमेंट का एक आदेश आ गया है, तो गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद गवर्नमेंट का आदेश गलत है और गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ ही लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे, लड़ाई तो आर पार की होगी, इनकी लाइफ को कैसे छोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा पिक एंड चूज करती रहती है, जब जो जरूरत होता है उनको सत्ता के अनुसार वोट के अनुसार करती है। जो रियल पॉलिसी होना चाहिए जिसमें ना तो राजनीति आता है, ना वोट आता है, ना सत्ता आता है, कंप्लीट रूप से बिहार का जिससे भी आप किसी भी गवर्नमेंट में, हम तो पहले ही नियमित और वेतनमान इन सब चीज़ों के खिलाफ, नियोजित के खिलाफ हम बचपन से शुरू से रहे। तो एक पॉलिसी शिक्षक वाले में भी यही होता गया, जो पुराने शिक्षक थे उसमें भी आपने गलत किया, लगातार कभी STT, कभी SSC, कभी BPSC, कभी कुछ कभी कुछ, जिससे इतना परेशानी हुई है बिहार के बच्चों को जिसका हिसाब नहीं है और आज भी वो परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ रजिस्ट्रार साहब हैं कि निर्णय कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट और हाईकोर्ट के दोनों ऑर्डर को देखते हुए यहाँ DC साहब लिखे कि जो आदेश आपका था उसी आदेश के तहत हम लोगों ने पेमेंट भी दिया और इनको प्रमाण नियुक्ति भी की गई। तो फिर ये कैसा आदेश सर, जब पहले आप आदेश दे दिए तो फिर मैं उस आदेश को फॉलो करूं कि नहीं वो आदेश को फॉलो करूं, अब ये तय तो VC साहब को भेजना है रजिस्ट्रार साहब। सर 36 और 3 महीने 39 महीने का जो ट्रेजेडी से भुगतान हुआ है, लेकिन अब 42 कर्मचारी को हटाने की बात सामने आ रही है। सर ये तो नहीं ना होगा, इसकी लड़ाई तो लड़ेंगे हम लोग मजबूती के साथ, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जो कर्मचारी हैं क्या अपनी लाइफ को ऐसे छोड़ देगा, आपको लगता है ये नहीं होगा। अब हम चाहेंगे कि रजिस्ट्रार साहब उस आलेख में जो पहला पत्र है चिट्ठी लिखें कि आपका ही ये ज्ञापन नंबर इतना है और इस आलेख में आपने पत्र दिया था जिसमें भुगतान की भी और नियुक्ति की भी बात आपने कही थी, तो फिर जब पहला आदेश आपका आया ये नया आदेश कहाँ से आ गया। विश्वविद्यालय और कर्मचारी के बीच सर छात्र पीछे जा रहे हैं, कल कई सारे छात्र सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की भी बात कह रहे थे। सर देखिए, रजिस्ट्रार साहब को कम से कम छात्रों की जो रोजमर्रे की रूटीन है या उनके लाइफ से जो जुड़ा हुआ, खाली हाजिरी लेने के लिए रजिस्ट्रार साहब या VC साहब नहीं ना बैठे हैं, के पाठक जी की बच्चों की हाजिरी लेके और उनके जो जीवन के साथ जो हमने देखा 10-12
PhD का मामला था, जो बच्चे आए थे उसमें लौट के चले गए, और भी मामला था। तो हम चाहेंगे कि रजिस्ट्रार साहब दैनिक बेसिस पर बच्चों के काम को सुने भी और उसको करें।